दैनिक भास्कर .com प्रेजेंट्स द विजनरी। आज विश्व में सैकड़ों मरीज डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन से जुड़े रोगों से जूझ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भारतीय अनुवांशिक रूप से डायबिटीज एवं हार्मोन संबंधी रोगों के प्रति जाति रूप से अति संवेदनशील हैं। बहुत सारे मरीजों के जीवन में व्यस्तता और तनाव के चलते जीवन शैली में आए परिवर्तन इन बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। इंदौर स्थित टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट लगातार कई वर्षों से इन बीमारियों से लड़ने में मरीजों की मदद कर रहा है। आइए मिलते हैं टोटल के संस्थापक डॉक्टर सुनील एम जैन से और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे टोटल डायबिटीज एवं हार्मोन संबंधित बीमारियों से लड़ने में लोगों की मदद कर रहा है। सन 1995 में मैंने इंदौर में प्रैक्टिस करना शुरू किया और 15 साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से के साथ साथ पेशेंट को एम्पावरमेंट, पेशेंट को नॉलेज, पेशेंट को अपनी डिसीज़ के प्रति काफ़ी सारी अवेयरनेस, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। क्योंकि डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डे टू डे में अपने जीवन को कैसे बदलें कि इलाज सक्षम और सुचारू रूप से लागू हो पाए, इसकी ज़रूरत है। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने टोटल के बारे में सोचा, जिसका अर्थ है ट्रीट टू टारगेट एंड लीव लॉन्गर। सो टोटल डायबिटीज़ के इलाज की या हार्मोनल चिकित्सा के इलाज की पूरी फिलॉसफी है, जिसका अर्थ है कि हम इस तरह का ट्रीटमेंट मरीजों को ऑफ़र करें जिससे वो लॉन्ग लाइफ हेल्दी रह सके, यही है टोटल। और इसके लिए ट्रीटमेंट में दवाओं के पर्चे के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे डिसीज़ के प्रति पूरी तरह से जागृत और शिक्षित करें, और इस चीज को दिमाग में रखकर टोटल का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर सुनील एम जैन प्रदेश के अग्रणी एवं प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक है। अपने टोटल डायबिटीज हार्मोन इंस्टीट्यूट, जिसका अर्थ ट्रीट टू टारगेट एंड लिव लॉन्गर है, पूरे देश में अपने आप में एक बिरला डायबिटीज और हार्मोन की चिकित्सा का इंस्टीट्यूट है। यहां एक ही छत के नीचे डायबिटीज एवं हार्मोन से जुड़ी सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। डॉक्टर जैन टोटल संस्थान के द्वारा अपने मरीजों में रोगों के प्रति जागरूकता लाना चाहते हैं ताकि उनमें सेल्फ मैनेजमेंट का भाव पैदा हो। मैं हमारी मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर, उसके पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खेतिया। मेरा जन्म और स्कूली शिक्षा इसी स्थान पर हुई है, इस छोटी से जगह को मैं बिलोंग करता हूं। और 11वीं तक की पढ़ाई के बाद फिर मेरा PMT देकर मेडिकल में चयन हुआ। अब चूंकि ग्रामीण बैकग्राउंड से मैं पहुँचा था तो वहाँ पर तो पूरा माहौल मेडिकल कॉलेज में अलग था, हम पूरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। जब हम अपने इन ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचते हैं और वहाँ पर एक अलग तरह की स्टूडेंट पॉपुलेशन है, जो बहुत सारे शहरी कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों की है, अब उसके बीच में एक शुरुआती दौर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी था। जब शुरू के टेस्ट्स हुए, परीक्षाएं हुई, नतीजे आए, तो उसमें आश्चर्यजनक रूप से मैं टॉपर था। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ है ऐसा जो हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पूरी मेडिकल कॉलेज लाइफ में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो भाषा वैसे मेरे को कभी भी रास्ते में रुकावट नहीं बनी,
और बल्कि मैंने इस तरह के जो भी समस्याएं सामने आई उसे एक चैलेंज की तरह लिया। अब जिस स्तर पर हम मेडिकल कॉलेज स्टेट लेवल में हम जिस तरह का एकेडमिक एटमॉस्फेयर फील करते हैं और हम एक पीजीआई जैसे संस्थान में करते हैं, तो वहाँ पर फिर ज़मीन और आसमान का अंतर, फिर एक नया एडजस्टमेंट। मैंने वहाँ से एग्ज़ाम्स और सब परिस्थितियाँ सामने आई वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। पीजीआई चंडीगढ़ में मुझे उन्होंने वहीं पर फैकल्टी पोस्ट भी ऑफ़र किया, लेकिन मन में इच्छा ये थी कि मैं वापस अपने ही प्रदेश पहुँचूँ और वहीं जाकर काम करूँ, और इसलिए मैं वापस फिर इंदौर लौट कर आया। और आज मुझे अब इंदौर में प्रैक्टिस करते हुए 22 वर्ष हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इंदौर से बेहतर और कोई जगह हो सकती थी। ये अगेन एक बाय चांस है कि मैंने इस शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना, और इससे मैं यहाँ आकर बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा शहर साबित हुआ ये, जहाँ पर कि लोगों ने रिकॉग्नाइज़ भी किया मुझे। मेरी प्रैक्टिस भी यहीं से मैंने शुरू करके मैं इस स्तर तक पहुंचा। और दूसरा, एक जब 1995 का शहर और आज के शहर में निश्चित रूप से बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी इस शहर का एक अपनापन है जिसके साथ मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। एक सेगमेंट तो है पेशेंट्स का, लेकिन दूसरा 15 साल की प्रैक्टिस में मैंने जो सीखा है, क्या मैं इसे देश में अन्य डॉक्टरों तक पहुंचा सकता हूं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये लाभ अन्य मरीजों तक भी पहुंचे। यहां पर 3 प्रमुख क्षेत्रों में मैं काम करता हूं। एक है पेशेंट ट्रीटमेंट एंड एम्पावरमेंट, दूसरा है शोध और रिसर्च, और तीसरा है डॉक्टर्स को वो जानकारियाँ ट्रांसफ़र करना जिसके जरिए वो अपने मरीजों का बेहतर इलाज कर सके। देश विदेश से असंख्य डॉक्टर्स को टोटल द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में जाकर टोटल द्वारा विकसित की गई तकनीकों से अपने मरीजों का इलाज कर पाएं। एमडी किए हुए डॉक्टर्स पूरे देश से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने जब टोटल शुरू किया तो उसका एक उद्देश्य ये भी था कि हम डायबिटीज़ के और थायराइड के नॉलेज को देश के अन्य डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर सके, ताकि ओवरऑल डिसीज़ मैनेजमेंट कंट्री लेवल पर इम्प्रूव हो सके। तो टोटल में लगभग 3 दिन की ऐसी कई कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स होती है, जिसमें पूरे देश से डॉक्टर्स आते हैं, 3 दिन वहीं रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग, लेक्चर्स, स्टे, सब की व्यवस्थाएँ टोटल में ही होती है। और इस तरह अभी तक पिछले 6-7 वर्षों में लगभग 2000 से अधिक डॉक्टर्स पूरे देश में, बड़े बड़े शहरों से लेके तो देश की तमाम बॉर्डर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, पौंडीचेरी, सभी शहरों से, सभी देश के भागों से लोग आते रहते हैं, हर माह आते हैं और 3 दिन तक टोटल में रुकते हैं, और इस डिसीज़ के प्रति पूरी जानकारी लेकर जाते हैं, और हम उनकी तमाम क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं, ताकि अब वो अपने मरीजों की बेहतर चिकित्सा कर सके। अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देने वाले डॉक्टर सुनील एम जैन आज भी निरंतर कई घंटे कार्य करते हैं। ईमानदारी से लगातार मानव सेवा करते रहना अपनी सफलता का मूल मंत्र मानने वाले डॉक्टर सुनील एम जैन देश के पूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं। परिवार के सहयोग के बिना तो कोई कामयाबी हो ही नहीं सकती, बल्कि हमारी पूरी कामयाबी के अंदर जो है वो परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा सहयोग तो हमारी मैडम अनुपमा का है, जो कि एक तरह से बैकबोन है पूरे टोटल की। आज अगर टोटल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई भी ज़रूरत होगी, तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, फ़ोन उनको जाएगा और वहाँ से उस समस्या का हल कर दिया जाएगा। दूसरा, बच्चे भी है जो कई सेगमेंट्स में, कई जगह पर इनकी भी मुझे काफ़ी मदद रहती है। निश्चित रूप से पारिवारिक तौर पे जो भी मुझे पूरा सहयोग मिला है, हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सब बोलते हैं कि हमारे पापा हमारे लिए आइडल है, ये हम लोगों के लिए रियल लाइफ में आइडल है, बिकॉज आई डोंट थिंक हम उनके जितना तो कभी भी लाइफ में बन सकते हैं। अगर हम 1% भी जो वो आज हैं उसका अटेन कर लेते हैं
to we achieve all the success that we need in life. I'm really proud that he is my father and he's given everything to us right now. Whatever I am or whatever all of us are because of him. And jitna bhi abhi hum log padh rahe hain, jitna bhi hum aage padhenge and whatever we achieve right now, it's all because of him. तो इन सब की मदद के बगैर तो ये संभव ही नहीं था जो आज मेरे साथ हो रहा है। डॉक्टर सुनील एम जैन पिछले अनेक वर्षों से डिजिटलाइज डायबिटीज मिशन पर कार्य कर रहे हैं। मरीजों को उनकी स्थिति से लगातार अवगत कराते रहने की अनोखी टेक्नोलॉजी के जनक डॉक्टर सुनील एम जैन ऐसे प्रतिभावान एवं कर्मशील चिकित्सक का प्रदेश में होना काफी गर्व की बात है। टोटल में जब भी पेशेंट कोई भी पहुंचता है तो यहाँ सबसे पहले उसे एक हेल्थ स्टेशन पे पहुंचना होता है जहाँ उसके पूरे रिकॉर्ड को हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। बेसिकली यहाँ पर एक पूरे टीम वर्क के साथ में काम हो रहा है। तो पेशेंट की सबसे पहले पूरी जानकारी एक बार कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद टोटल में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम में से कोई भी एक डॉक्टर उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री एक फाइल बनाई जाती है। सब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे होनी चाहिए क्योंकि इन पेशेंट्स को हमें लॉन्ग टर्म तक ट्रीट करना है। और उसके बाद इन पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, साथ ही इन पेशेंट्स को हम लोग डाइटिशियन एजुकेटर उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है वो जितनी देर यहाँ है उस पूरे समय का इस्तेमाल उनको एजुकेट करने में होता है। जब तक सब रिपोर्टें आ जाती है इतने समय में तो पेशेंट के वेटिंग टाइम के दौरान ही उन्हें पूरी जानकारी दे दी जा रही है और जैसे ही रिपोर्टें आ जाती फिर पूरी फाइनल डिसीजन हो के हम लोग उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको फिर वो हेल्थ स्टेशन पे पहुंचते हैं और जहां उन्हें पूरी टीम एक्सप्लेन करती है। ये एक पूरा मैनुअल प्रोसेस है और इसके पैरेलल में यहां पर पूरा डिजिटलाइज्ड अप्रोच भी चल रहा है। ये सभी पेशेंट्स के पास ऐप भी होता है, उस पर उनकी पूरी मूवमेंट भी ट्रैक हो रही है और जो जो चीज़ें हमने उन्हें कम्युनिकेट की है वो चीज़ें हम लोग उनके पास में मूवीज़ के रूप में, इमेजेस के रूप में, उनकी ऐप पर भी एक सिस्टम के जरिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से इस होलिस्टिक और कंप्लीट अप्रोच से पेशेंट का इलाज करना आसान होता है। रिमाइंडर्स उनके पास होते हैं और उन्हें जितनी समझाइश दी जा चुकी है वो कभी भी जाकर फिर से रिव्यू भी कर सकते हैं। हमारी एक बस बना रखी है जो जगह जगह जाकर इसके ऊपर अवेयरनेस भी फैलाती है और उसका नाम मैंने इसको चैलेंज की तरह लेने के लिए ही रखा है, शक्कर से टक्कर। अपने खाली समय में वे टेक्नोलॉजी से डायबिटीज केयर को बेहतर बनाने, घूमना एवं प्रकृति के करीब जाना पसंद करते हैं। सरल भाषा में मरीज के साथ बैठकर उसे जितनी समझाइश देना है वो कार्य तो साथ में जारी है इसे। तो ये दोनों ही चीजों के कॉम्बिनेशन से एक स्पॉट वहाँ पर जानकारी और दूसरी ऐसी जानकारी जो पेशेंट बार बार देख भी सके, ये दोनों चीज़ों के उपयोग से शायद हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा टोटल के अगले कॉन्सेप्ट के पीछे सोच है। डॉक्टर सुनील एम जैन को भविष्य में और ऐसे ही कार्य करते रहने की हम कामना करते हैं।